आइए आज एप्लीकेशन को हम लोग देखते हैं। ये क्लास 10 के एग्जाम में एक एप्लीकेशन जरूर आता है प्रिंसिपल के ऊपर, तो या फिर लेटर भी आ सकता है, तो दोनों आएंगे। एक एप्लीकेशन कंफर्म है, लेटर कंफर्म है, तो आर करके आता है, तो एक दोनों में से जितना बता दिएगा लेटर उसमें से आ जाएगा, एक एप्लीकेशन जितना बताया जा रहा है उसमें से आएगा। ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं बताएंगे, ठीक है, बहुत कम बताएंगे, 7-8 बता देंगे, 8-9 मैक्सिमम, उसी में से आ जाएगा। ठीक, तो शुरुआत में जो दिए गए हैं सब इम्पॉर्टेंट है। पहले तो हम देख लेंगे एप्लीकेशन लिखने का तरीका क्या है, प्रारूप क्या है, उसके बाद तुरंत हम एप्लीकेशन भी देखेंगे। देखिए, दिया गया एप्लीकेशन माने होता प्रार्थना पत्र। किताब में आप लोग देखिए, प्रार्थना पत्र संक्षिप्त तथा विनम्र भाषा में लिखे जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बकवास नहीं करना, मेन मेन बात बताना जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, ठीक। और विनम्र भाषा मतलब पोलाइटली कहोगे आप, जैसे कहते हैं सभी ने निवेदन है कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वुड टू से दैट, इस तरह से। प्रार्थना पत्र में सबसे ऊपर बाई ओर भेजने वाले का पता व दिनांक लिखा जाता है। आप क्या करेंगे, प्रार्थना पत्र में बाई ओर कह रहे हैं कि भेजने वाले का पता और दिनांक लिख दिया जाता है। इसमें बाई ओर बताया गया इस किताब में, और किताब में दाहिनी ओर भी बता लिखा गया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे जहाँ लिख सकते हो, ठीक ना। तो आप देखिए, तत्पश्चात प्राप्त करने वाले का पद तथा पता लिखा जाता है। सबसे पहले क्या करोगे आप, बाई ओर भेजने वाले का पता, अपना भेजने वाला अपना पता लिखता है ना, ठीक, और दिनांक लिख देता है, फिर उसके बाद तत्पश्चात, उसके बाद प्राप्त करने वाले का पद, किसको मतलब आप भेजना चाहते हो, कौन प्राप्त करेगा, उसका पद बताओगे। जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल को भेज रहे हो, तो भाई उनका पद है प्रिंसिपल है ना, पोस्ट है, सचिव को भेज रहे हो, जो भी सेक्रेटरी हैं, DM है, जो भी है, ठीक है, कुल मिला के, तो यहाँ तो प्रिंसिपल आपको लिख देना है पद, और उस ठीक उसके बाद पता और डेट लिखने बाद पद लिख देना है, यानी टू द प्रिंसिपल लिख देना, फिर पता लिख देना, पता का मतलब प्रिंसिपल का पता, घर का पता नहीं लिखना है, स्कूल का पता, किस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, ठीक है ना। हाँ, जैसे आप लोग लिखोगे टू द प्रिंसिपल, ठीक है, फिर कल्पना इंटर कॉलेज दिलावरपुर मड़िया हो जौनपुर, जो आपके स्कूल का नाम है, तो दूसरे का स्कूल का नाम जो रहेगा उसने लिखेगा, ठीक है, वही स्कूल का पता ही प्रिंसिपल का पता हो जाता है। इसके बाद अभिवादन का शब्द लिखेंगे, सर या मैडम लिखा जाएगा। आपके प्रिंसिपल अगर सर हैं यानी आदमी हैं तो सर लिखोगे, जेंट लेडीज हैं तो मैडम लिखोगे मौके पे। फिर प्रार्थना पत्र की मुख्य बातें लिखी जाती है, मेन बॉडीज कहते हैं, मुख्य बातें, बॉडी में बताने थे, बॉडी ऑफ लेटर मतलब लेटर की जो बातें हैं, बातों को ही बॉडीज कहा गया यहाँ, ठीक ना। अब देखिए, अंत में दाई ओर प्रधानाचार्य, कक्षा अध्यापक आदि को संबोधित प्रार्थना पत्रों में, दाहिनी ओर क्या करोगे, पत्रों में योर्स ओबीडियंटली लिखा जाता है। प्रधानाचार्य के लिए क्या लिखोगे, योर्स ओबीडियंटली, माने होता है आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्य, ठीक ना। तथा अन्य कार्यों के लिए उच्च अधिकारियों को संबोधित प्रार्थना पत्रों में योर्स फेथफुल्ली लिखा जाता है। अगर प्रिंसिपल को लिखना है तो योर्स ओबीडियंटली कर दो, नहीं तो और दूसरे अधिकारी को लिख रहे हो तो योर्स फेथफुल्ली लिख देना, आपका सच्चा, ठीक ना, ठीक, नागरिक जो भी सच्चा रहोगे आप। अब उसके बाद देखिए, यहाँ प्रारूप दिया गया कि एड्रेस डाल दिया गया है, दिनांक डाल दिया गया, फिर द प्रिंसिपल लिख दिया है ना, लेकिन आप यहाँ द के ऊपर टू भी लिख सकते हो, टू द प्रिंसिपल, टू करके तो फिर क्रॉस करके द प्रिंसिपल, ऐसे भी लिख सकते हो प्रिंसिपल को, द प्रिंसिपल करके स्कूल का नाम यहाँ लिखना है, अपने अपने स्कूल का नाम आपको भर देना है, ठीक। उसके बाद सर या मैडम में से केवल एक लिखना पेपर में, आपको यहाँ दोनों आप लिख करके बता दिया गया है, आप अपने हिसाब से एक ही लिखेंगे, ठीक ना, चाहे सर या मैडम। फिर उसके बाद आपको यहाँ देखिए नीचे जो लिखना है, आप लिखेंगे अपनी बातों को, लेकिन एक बात हम बता दे रहे हैं जो कि हमेशा आप लिख सकते हो उसको आप लोग, ठीक है, किताब में भी है, नहीं तो आप नोट भी कर सकते हो, मोस्ट रिस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से दैट कर देना। सबसे पहले क्या कर देना, मोस्ट रिस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से दैट, ये प्रारूप है। इसका अर्थ होता है सविनय निवेदन है कि, यहाँ किताब में देखोगे तो खाली रिस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से दैट भी दे दिया है, वो भी सही है, राजू प्रकाशन में देखो तो मोस्ट रिस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से दैट दिया, तो मोस्ट लगा भी सकता है। अरे रिस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से दैट माने निवेदन है कि, मोस्ट लगा देते तो मोस्ट माने सबसे ज़्यादा निवेदन, नहीं सविनय निवेदन है कि, थोड़ा स्ट्रांग वर्ड हो जाता, ठीक, इसलिए आप लोग मोस्ट जरूर लगा दिया करिए, ठीक। तो मोस्ट रिस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से दैट इतना लिख देना, इसका हिंदी होती है सविनय निवेदन है कि, जैसे हिंदी में कहते हो, ठीक ना, वही उसी की अंग्रेजी होती है।
उसके बाद आपको लिख देना है फिर बॉडी, हाँ बॉडी ऑफ मतलब पूरा पत्र में जो भी आपको बात बताना है, जैसे मान लीजिए आपको बताना है कि मोस्ट ऑफ खुली आवे क्यू से दैट सबने निवेदन है कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से मैं बुखार से पीड़ित हूँ, सो आई एम अनेबल टू अटेंड द कॉलेज, इसलिए मैं कॉलेज में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज 3 डेज जितना भी दिन है, इसीलिए मैं आपसे 2 दिन की छुट्टी मांगता हूँ, या एक फॉर 1 डे फॉर 7 डेज जितने भी हैं इतना मांगता है, या करते फ्रॉम करके डेट बताओगे फिर टू करके फिर अगला डेट बताओ कितने दिन तक, इस डेट से इतने डेट तक। उसके बाद क्या आप लिख सकते हो, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज टू यू, यहाँ नीचे एक और अभी आप पढ़ेंगे तो जो मिलेगा, तो फिर नीचे एक प्रारूप में लिखा जाता है आई शैल बी हाईली ओब्लाइज टू यू, आई शैल बी हाईली एच आई जी एस एल वाई ओब्लाइज टू, मैं टू यू इतना भी लिख सकते हो, या फिर आओ लिख सकते टू यू फॉर योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, मैं आपके दयालुता के, ठीक है, एक्ट ऑफ काइंडनेस आपके दयालुता के कार्य के लिए मैं आपका बहुत क्या रहूँगा, आभारी रहूँगा, या आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू इतना भी लिख दो, मैं आपका अत्यधिक आभारी रहूँगा, या टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस भी जोड़ दीजिए, ठीक है, इतना लिख देना चाहिए, बीच वाली बातें अपना बदल के, ठीक है। उसके बाद आपको कर देना क्या, आपको योर ओबीडिएंटली कर देना है, ठीक है। यहाँ देखिए लेटर में बताया गया कि दाईं ओर लिख देना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ लिख दिया गया है बाईं ओर लिख दे, ठीक है, लिख देते हैं कि यहाँ ताकि अंत में दाईं ओर प्रधानाचार्य का अच्छा संबोधित पत्र में योर सुविधा दाईं ओर कहें, दाईं ओर फिर बाईं ओर बता रहे हैं कि ठीक है योर फेथफुल लिखा जाता है, इसके नीचे भेजने वाले का नाम बाईं ओर लिखा जाता है, तो ऐसा कोई बात नहीं है, आप यहाँ बाईं ओर से ओबीडिएंटली लिख के दाईं ओर भी लिख सकते हैं, इसके बाद नीचे एक्स वाई जेड आपको कर देना है, ठीक, इसमें चाहे जैसे बताया उससे नहीं मतलब है, बाईं ओर या दाईं ओर दोनों लिख सकते हो आप। अगला देखिए है आपका, अब चलिए इसका हम प्रारूप जान गए ना, बॉडी ऑफ एप्लीकेशन लिखेंगे, एप्लीकेशन की बातें जो है, देखिए इसमें पूरा ना सर या मैडम करके, ठीक है, प्रिंसिपल स्कूल का नाम सर या मैडम करके, मोस्ट टू से दैट, फिर मैटर बताएंगे, फिर आई उसके बाद आई शैल शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू फॉर योर एक्ट ऑफ काइंडनेस लिखेंगे, योर सबिडेंट लिखेंगे, एक्स वाई जेड कर देंगे। अब चलिए देखते हैं, पत्र देख लेते हैं, एक इम्पॉर्टेंट लेटर देख लेते हैं, पहला पत्र देखते हैं, छुट्टी के लिए भी आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है इसलिए पहला वाला छुट्टी के लिए ही दिया गया है, छुट्टी के लिए आएगा, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट टीसी मांगने के लिए, या ठीक है स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट स्कूल छोड़ने के लिए, वही एक ही चीज़ है, और उसके अलावा आ जाएगा फीस माफ़ी के लिए आ जाएगा, कंसेशन इन फी, ठीक, इसके लिए भी आ सकता है, तो ये जो जो भी इम्पोर्टेंट है सब बताए जा रहे हैं आपको, वीसा चेंजिंग के लिए भी आ सकते हैं, ठीक, तो ये एप्लीकेशन है, चलिए पहले एक वन बाय वन देखते हैं। पहला एप्लीकेशन लिखने के लिए कह रहा है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखो, इनफॉर्मिंग हिम उन्हें सूचना देते हुए लिखो, सूचना देने के बारे में लिखो, अबाउट योर इलनेस अपनी बीमारी के बारे में, प्रिंसिपल को पत्र लिखो और उनसे क्या कहो, अपनी बीमारी की सूचना दो उन्हें कि मैं बीमार हूँ, एंड रिक्वेस्टिंग हिम और उनसे प्रार्थना करो टू ग्रांट यू लीव ऑफ एब्सेंस फॉर 2 डेज कि आपको 2 दिन तक अनुपस्थित होने के लिए छुट्टी प्रदान कर दें, ग्रांट माने प्रदान करना, एब्सेंस माने अनुपस्थित, 2 डेज माने 2 दिन अनुपस्थित रहने की छुट्टी आपको प्रदान कर दें, ग्रांट माने देना है प्रदान करना, स्वीकृत स्वीकार कर देना, सरकारी जो आदेश होता है उसको ग्रांट कहते हैं, प्रदान करें आदेश प्रदान करें, ठीक है, क्योंकि वो सरकारी आदमी है। अब देखिए तो कुल मिला के आपको मैटर पता चल गया क्या लिखना है, प्रिंसिपल को लिख देना है, उसमें अपनी बीमारी बता देना कि मैं बीमार हूँ, कोई भी बीमारी का नाम बता सकते हो, सफरिंग फ्रॉम फीवर कर दो या फीवर का नाम बता सकते हो, टाइफाइड कोरोना मलेरिया डेंगू कुछ भी बता सकते हो, वैसे कोरोना मत बताना, ठीक है, खतरनाक बीमारी, ठीक है, डेंगू मलेरिया टाइफाइड बता सकते हो, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड, ठीक है, फिलहाल बता दोगे कोई गलत नहीं होगा, चाहे जो भी लिख सकते हो, कोरोना बता दोगे तो 2 दिन का 10 दिन छुट्टी मिल जाएगी, कहेंगे सीधे क्वारंटीन होके आओ। चलिए आगे, पता आप लिखेंगे पहले, उसके बाद फिर जिले का नाम लिखेंगे, ठीक ना, ग्राम पोस्ट वही और जिले का नाम लिख देना, ज़्यादा पता में इससे ज़्यादा नहीं लिखना, ठीक, जैसे आप अब देखिए उसके बाद जो है, यही तो आपको बताया गया है कि हाँ पता दिनांक लिख देना, ठीक है, दिनांक यहाँ नहीं लिखा गया तो आप दाएं साइड में भी लिख सकते हो या वहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ दाएं साइड में भी लिख सकते हो ऊपर, या कोई ज़रूरी नहीं होता इसमें एप्लीकेशन में, ठीक, दाएं साइड में भी लिख सकते हो।
दिनांक, और यहाँ टू द प्रिंसिपल की लिख देना है, प्रिंसिपल के पहले ना टू भी लगा देना ऊपर, टू क्रॉस करके, ठीक है, तो और भी बेटर हो, टू द प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल को, नहीं भी लगाओगे तो इसमें नहीं लगाया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टू आप लगा सकते हो, ठीक है ना। आप सीरीज देखोगे, विद्या क्वेश्चन देखोगे और राजू प्रकाशन की किताब देखोगे तो सब में टू द प्रिंसिपल लिखा रहता है, ठीक ना। टू द प्रिंसिपल आप लिख देना प्रिंसिपल को, उसके बाद स्कूल का नाम लिख देना, के आर इंटर कॉलेज ना करके अपना, ठीक है, के आई सी लिख सकते हो, कल्पना इंटर कॉलेज, ठीक है ना, पूरा नाम लिख दीजिए। फिर जौनपुर लिख देना मथुरा के, हटा के। उसके बाद सर आप लिखो या मैडम लिखो, एक लिखना ही लिखना है, अभी तो सर ही है अपने प्रिंसिपल, वही लिखना। फिर अब आयोग से आने वाले हैं तो मैडम आ जाएंगे तो मैडम लिखेंगे, नहीं तो वही देखिए आगे, तो सर या मैडम दोनों लोग क्योंकि टारगेट में है, दो लोग का हुआ है, कौन ज्वाइन करेगा, नया प्रिंसिपल। अब देखिए रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट, फिर उसके बाद निवेदन है कि, या इसमें आप मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट लगा देना, रेस्पेक्टफुली पहले मोस्ट लगा देना, सबने निवेदन है कि मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, अपनी बीमारी बताना, कह दो मैं पिछली रात से बुखार से क्या हूँ, पीड़ित हूँ। सफरिंग फ्रॉम फीवर मैंने बुखार से पीड़ित होना या बुखार आना, मुझे पिछली रात से बुखार आ रहा है, इसकी दूसरी हिंदी ये होती है, ठीक ना, पिछली रात से मुझे क्या आ रहा है, बुखार आ रहा है। तो बुखार आने के लिए कम नहीं लिखा जाता, सफर लिखा जाता है, ठीक ना, क्योंकि आप उससे पीड़ित रहते। डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी टू टेक टू डेज रेस्ट, डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी, डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया टू टेक लेने के लिए, टू डेज मैंने दो दिन का रेस्ट मैंने आराम, बता दो कि डॉक्टर मुझे दो दिन का आराम लेने की सलाह दिए हैं। आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू, इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, देयर फॉर मैंने होता है इसीलिए, मैं इसीलिए आपसे प्रार्थना करता हूँ टू ग्रांट मी टू डेज लीव, कि मुझे दो दिन की छुट्टी प्रदान करें, ऑफ ऑफ लीव ऑफ ऑफ मैंने अनुपस्थित होने के लिए, फ्रॉम द कॉलेज, कॉलेज से फ्रॉम टूडे मैंने आज से, इसलिए मैं आपसे आज से कॉलेज में दो दिन अनुपस्थित रहने की छुट्टी देने की प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ, जो भी आप कह सकें। फिर थैंकिंग यू लिख देना, आपको धन्यवाद, या थैंकिंग यू ना लिखना चाहो तो आप यहाँ एक शब्द हम बताए थे, आई शैल बी हाईली ओबलाइज्ड टू यू, मैं आपका अत्यधिक आभारी रहूँगा, उसको भी लिख सकते हो, ठीक। उसके बाद जो है योर्स ओबीडिएंटली लिख देना, एक्स वाई जेड लिख देना, क्लास टेंथ ए लिखना जरूरी नहीं है, आप मर्जी लिखो, नहीं तो मत लिखो, ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया होगा ये सब, अपना बीमारी के बारे में आप छोटे क्लास में भी 6, 7, 8, 9 में भी आप पढ़े रहे होंगे, ठीक है, वेरी सिंपल है। इसके बाद आपको आगे देखिए बताया जाएगा, और इम्पॉर्टेंट है छुट्टी के लिए ये भी है, लेकिन इसमें अपनी माँ को बीमार बताना, अपने को नहीं, और 2018 में पूछा है, ये इम्पॉर्टेंट इससे ज़्यादा है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।